नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स और स्वागत है आपका हमारी खास अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। बता दें आपको कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत ने एडिलेड वनडे जीतकर एक एक से सीरीज में बराबरी तो कर ली है, लेकिन यहां पर कप्तान कोहली ने 39वां शतक जड़ दिया है। जी हां, बता दें आपको कि कप्तान कोहली के नाम 39वां शतक जड़ते ही कई रिकॉर्ड्स हो गए। आपको बता दें कि इंटरनेशनल हंड्रेड्स के मामले में विराट कोहली तीसरे पायदान पर हैं। 71 शतक रिकी पोंटिंग हैं, उनसे आगे हैं, उनसे भी आगे हैं द ग्रेट क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर, जिनके नाम अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 100 शतक हैं। हालांकि अभी विराट को काफी आगे जाना है, 39 शतक इनके वनडे में हो चुके हैं, 25 शतक इनके टेस्ट क्रिकेट में हैं। तो मौका है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि कितना होगा, लेकिन मौका तो जरूर है विराट कोहली के पास। खैर, वनडे क्रिकेट की बात की जाए तो दूसरे सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले बल्लेबाज बन गए विराट कोहली सचिन के बाद। 49 शतक है सचिन के नाम और 39 शतक विराट के हो गए। 10 शतक और लगाने हैं सचिन के रिकॉर्ड की बराबरी के लिए और 11 शतक उस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए। खैर, हम एक समय में सोचते थे कि क्या कोई खिलाड़ी ऐसा रिकॉर्ड बना पाएगा, लेकिन विराट कोहली हमें एक ऐसा नगीना मिला जिसने भारतीय क्रिकेट टीम की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल कर रख दी है। इसी के साथ साथ कप्तानी में भी विराट ने एडिलेड वनडे कर एक बड़ा रिकॉर्ड बना लिया। उन्होंने फाफ डुप्लेसी, जो साउथ अफ्रीका के कप्तान हैं, उनके बाद ये रिकॉर्ड बनाया कि कोई भी कप्तान जो विजिटिंग कंट्री होती है, किसी दौरे पर जाती है, वनडे और टेस्ट क्रिकेट में शतक जमाकर मैच जिताया हो, यानी कि जिताऊ पारी, शतक भी, और दोनों फॉर्मेट, जो बड़े फॉर्मेट है क्रिकेट के, टेस्ट क्रिकेट और वनडे क्रिकेट में, उन्होंने शतक जड़कर मैच जिताया हो। अब ये एक बड़ी उपलब्धि है, बड़े कप्तान हैं। हाल ही में उन्होंने टेस्ट सीरीज भी जिताई है भारत को। अब अगर वनडे सीरीज जिता दें तो विराट शायद दुनिया के महानतम कप्तान में से एक हो जाएंगे, इवन भारत के बड़े कप्तानों में से एक हो जाएंगे। देखना होगा कि भारतीय टीम किस तरह से वहां प्रदर्शन करती है। फिलहाल जो रिकॉर्ड बना है वो तो बना ही है, टीम इंडिया में जश्न का माहौल है। अब मेलबोर्न वनडे में देखते हैं क्या धमाल मचाती है टीम इंडिया। फिलहाल इस खास अपडेट में